अब मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, तो अब क्या होगा? हमारा समाज जो होता है वो भी बार बार आपके पेरेंट्स से पूछता, आपसे पूछता, हाँ भाई क्या रहा, शायद मैं नहीं बना हूं एमबीबीएस करने के लिए। आप हिंदी मीडियम से हैं और आपके अंदर क्षमता है नीट का एग्जाम क्लियर करने की। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01247158250 पर। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डाउटनट, स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। बच्चों आज का वीडियो जो होएगा बहुत लंबा नहीं होएगा, बहुत सिंपल सटीक सीधा वीडियो होएगा, जिसमें मैं सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका नीट 2022 का स्कोर बहुत अच्छा रहा है और जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस भावी डॉक्टरों। अब बात आ रही है वो बच्चे जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा, तो अब क्या होगा? अब मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे, दिमाग भी यही सोच रहा होगा कि यार शायद मैं नहीं बना हूं MBBS करने के लिए, शायद मेरे किस्मत में नहीं था, मेरा लक नहीं चला, मेरी मेहनत उतनी नहीं थी कि मैं नीट 2022 का एग्जाम क्लियर कर पाया। पेरेंट्स का प्रेशर पड़ रहा होगा, यार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी दोस्तों ने, है ना? और साथ साथ आसपास के जो हमारी जो सोसाइटी जो होती है, हमारा समाज जो होता है, वो भी बार बार आपके पेरेंट्स से पूछता, आपसे पूछता, हाँ भाई क्या रहा, हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी एक मेंटल प्रेशर होता है। सो आखिर उन बच्चों का होगा क्या? क्या वो दूसरी स्ट्रीम में चले जाएंगे, छोड़ देंगे वो जो सपना वो लेकर संजोए थे कि यस हम भी नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे? उनका क्या होगा जिनके 500 से कम मार्क्स आए हैं, 450, उनका क्या होगा? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, 400-450 मार्क्स आए थे, कई बच्चों के आए थे 500 तक आए थे, उन्होंने इस साल एग्जाम दिया और उन्होंने क्रैक भी किया है। सो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आरंभ बैच 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस जो है दोस्त वो 11 सितंबर तक ऑलरेडी कम कर दी गई है। कितनी हो गई है? 5999, है ना? आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01247158250 पर, ठीक है? सो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं एक साल और ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो यही है कि सर अब करें क्या। सबसे पहले तो अपने दिमाग को रिलैक्स करो, सबसे पहले काम आपने ये करना है, ज्यादा मत सोचिए। आपके 500, 550, 400, 450 जितने भी मार्क्स आए हैं, ये सोचिए कि आपने कितनी जबरदस्त मेहनत करी है। यार 500 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात थी नीट 2022 के एग्जाम में, आसान काम नहीं था। आपको कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, अरे तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे पूछो तू ला सकता है क्या 500-550 मार्क्स भी? ये लाना, 500-550 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात थी आपके लिए। इतना आसान नहीं होता है कि नीट के एग्जाम में 500 मार्क्स भी लेकर आ जाए। तीनों सब्जेक्ट हैं, वास्ट सब्जेक्ट, आसान थोड़ी ना। 18 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था नीट के एग्जाम में, मजाक थोड़ी ना है। हाँ, जिनकी जिनकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त थी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी, उनका सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी थी, जिनकी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी थी, थोड़ा सा पीछे आ गए वो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं क्लियर कर सकते। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार अब ना मैं BDS कर लेता हूं, या अब मैं फिजियोथेरेपी, मैं वेटनरी, मैं यूनानी, मैं आयुर्वेद, ये सारी स्ट्रीम चूज कर लेता हूं, या मैं BSc कर लेता हूं। कई बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि मैं BSc कर लेता हूं, है ना, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम में, और साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर लूंगा। दोस्त नीट जो है ना वो बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। आप दो नाव में पैर डालकर नहीं चल सकते। कई सारे बच्चे आते हैं, सर मैं BSc की भी तैयारी कर लेता हूं, साथ साथ नीट की भी तैयारी कर लेता हूं, मेरा हो जाएगा क्या? मैं साफ साफ मना कर देता हूं, नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मैं ये भी मना नहीं करूंगा कि नहीं होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। 100 में से एक बच्चा ऐसा होएगा जो BSc के साथ साथ नीट क्रैक कर लेगा। तो अगर आप वो एक्सेप्शनल केस हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ये आपका कॉल है, ये आपका डिसीजन है, या आप अपने पेरेंट्स से डिसीजन लेकर, अपने पेरेंट्स से बात करके डिसाइड कर सकते हैं
लेकिन सोचिए 100 में से एक बच्चा ऐसा है जो सेलेक्ट हो रहा है, 99 तो नहीं हो रहे ना, तो परसेंटेज जो है बहुत कम है कि आप एक दूसरी स्ट्रीम चूज करके फिर सोचो कि मैं नीट का एग्जाम भी क्लियर कर लूंगा। बहुत कम चांसेस हैं दोस्त, बहुत कम। आपको पूरा एक साल फिर से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा कि आपने आखिर कमी कहां छोड़ी, किस चीज में आपकी कमी रह गई थी, कौन से सब्जेक्ट में आपकी प्रैक्टिस कम रह गई थी, किसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, क्या आपने गलतियां करी नीट के एग्जाम में। उन सारी चीजों का अवलोकन करना पड़ेगा, उन सारी चीजों से सीखना पड़ेगा कि यस नीट 2023 में मैं ये गलती नहीं करूंगा, और जितने मार्क्स मैं अभी लेकर आया हूं उससे 100-150 मार्क्स मुझे ज्यादा लाने हैं, तभी हो पाएगा। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, आपको सिर्फ यहां से सुनना है और यहां से निकालना है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, क्या? पढ़ाई। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है ना, बहुत बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अभी से इतना घबराओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आगे जीवन में इतने पड़ाव आएंगे, इतनी मुश्किलें आएंगी। ये तो अभी एक छोटा सा स्टेप था आपकी जिंदगी में, आगे जिंदगी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, कैसे झेलोगे फिर? इन्हीं सारी चीजों से तो सीखता है ना व्यक्ति। आपने एग्जाम दिया, आपका नहीं हुआ, ओके, आपको लगता है कि आप एक साल और जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं तो करिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए। और सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को एक और चांस दिया, और उन सभी पेरेंट्स को वापस से धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने बच्चों को एक साल और चांस देंगे कि हमारा बच्चा कर सकता है, हमारा बच्चा नीट एग्जाम क्लियर कर सकता है। दीजिए अपने बच्चे को एक और चांस, वो जरूर करके दिखाएगा। अगर वो 500, 550, 400 मार्क्स लेकर आया है तो कुछ ना कुछ तो बात है ना उसमें, ऐसा तो नहीं है, मेहनत तो करी है ना उसने। एक साल अगर लगा लेगा वो एग्जाम को, एक साल और प्रिपरेशन कर लेगा तो बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी। लोग ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो चार चार पांच पांच साल तक ड्रॉप ले रहे हैं। यार उनका एम है, उनका सपना है। इतनी जल्दी आप अपने सपने को चकनाचूर नहीं कर सकते हो। आपने जो सपना देखा है, आपका जो टारगेट है, आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी से ही हार गए तो आगे आने वाली जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आपको मिलेंगी, तो फिर तो आप तो हर चीज से पीछे हो जाओगे। पीछे मत होना, अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है? एक से दो दिन जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक सुनो, घूमना अच्छा लगता है घूमो, एक से दो दिन बस अपने माइंड को रिलैक्स करो और सोचो अब एक और चांस दे रही है जिंदगी, हमारे पेरेंट्स है ना, और हमें इस बार ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। कहीं से भी पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन पढ़ाई जोरदार करना। जिस टीचर से पढ़ना है पढ़ो, जिससे आपका कनेक्शन बैठता है पढ़ो, लेकिन तैयारी जो होनी चाहिए ना एक साल में, ऐसी धमाकेदार तैयारी होनी चाहिए कि अगले साल फिर से नीट 2023 का जब रिजल्ट आए तो आपका नाम भी बोर्ड पर। तो मैं वापस से एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा फिर से कि डाउटनट जो है आप सभी के लिए लेकर आया है आरंभ बैच, और आरंभ 2.0 वर्जन है बैच का, जिसमें ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। साथ साथ एक बच्चे के सिलेक्शन में जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी आपको मिलेंगी इस बैच में, जहां पर टीचर स्लाइड से लेकर क्लास नोट से लेकर
डेली होमवर्क, डिटेल्ड लेक्चर से लेकर, मॉक टेस्ट से लेकर, लास्ट में रिवीजन लेक्चर से लेकर आपके फुल डे डाउट सॉल्विंग तक आप सभी को ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, वो भी लाखों रुपीस फीस देकर नहीं, सिर्फ इतना है आपके अंदर क्षमता कि आप नीट क्लियर कर सकते हैं हिंदी मीडियम का होकर। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपके अंदर है काबिलियत कि आप क्रैक कर सकते हैं नीट 2023 का एग्जाम, तो जुड़ जाइए, है ना। ये मत सोचिए कि मैं अभी थोड़ा सा टाइम लेता हूं, एक दो महीने नहीं, एक दो महीने और लिए तो दोस्त फिर बैकलॉग बढ़ने लग जाएगा। बैकलॉग अगर बढ़ने लग गया फिर वो कभी कवर नहीं हो पाता है। टाइम है ना, हथौड़ा गर्म है, जो भी है जल्दी से जुड़िए, तैयारी करिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है आपने। नंबर ये रहा 0124715-8250, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में, डाउटनेट नीट के इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू एवरीथिंग फॉर नीट। ठीक है दोस्त, सो डरना मत, घबराना मत, मैं हूं, हमारी पूरी टीम है आपके साथ में। ठीक है, एक साल जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है और अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और हर उस बंदे को प्रूव करके दिखाना है कि जी हां, आप हिंदी मीडियम से हैं और आपके अंदर क्षमता है नीट का एग्जाम क्लियर करने की। धन्यवाद।